नमस्कार आदाब श्री अकाल जय भीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार बीजेपी के प्यारे खान साहब बहुत खतबदाए हुए हैं आप चौंक गए होंगे बीजेपी में खान साहब कहाँ से आ गए वो भी प्यारे वाले तो सुनिए वो हैं वो बीजेपी के इकलौते खान हैं और प्यारे वाले हैं इतने प्यारे वाले हैं कि मुसलमानों के नाम से ही छींकने वाली बीजेपी ने उनको लाट साहब बना दिया उनका नाम है श्रीयुत आरिफ मोहम्मद खान बताते हैं कि गवर्नर बन जाने के बाद लाट साहब लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाते हैं लेकिन खान साहब इस मामले में कल्याण सिंह के चचा निकले कल्याण सिंह ने राज्यपाल रहते हुए कहा था कि पहले मैं संघी हूं इसके बाद राज्यपाल वही हाल खान साहब का है केरल के विपक्षी दल कह रहे हैं कि तानाशाह हो गए हैं आरिफ मोहम्मद खान ऐसे में पूछना बनता है कि बीजेपी से ऐसा इश्क अल्लाह मतलब राम राम वल्लाह दरअसल खान साहब साबित करने पर आमादा हैं कि उनसे बड़े भाजपाई तो दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी थे और ना ही मार्गदर्शक आडवाणी हैं दोनों संस्थापक थे भाजपा के कुल मिलाकर सत्तर बरस के खान साहब जवानी के जोश में हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि देख लो हम भी भाजपा वाले हैं और तानाशाही का मजा हम जानते हैं दरअसल खान साहब पक्के वाले खिलाड़ी हैं राजभवन से 24 अक्टूबर को महामहिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए संस्थानों की एक लिस्ट जारी की गई पता चला कि केरल के चार सबसे बड़े मीडिया संस्थानों कैराली टीवी रिपोर्टर मीडिया वन और जय हिंद के राजभवन में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई आगे इसके वजह भी बताएंगे लेकिन पहले समझिए इसके बाद क्या हुआ केरल में पत्रकारों को बैन करने जैसी वाहियात परंपरा नहीं रही है राजभवन से बैन होने की खबर जैसे ही बाहर आई पत्रकारों के संगठनों राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संगठनों ने हंगामा कर दिया केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया वहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने कहा यह राज्यपाल का मनमाना रवैया है यह तो आप जानते ही हैं कि राज्यपाल ने केरल के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को तत्काल इस्तीफा देने का हुक्म जारी किया था नहीं तो मैं बर्खास्त कर दूंगा क्योंकि वह कुलाधिपति हैं लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया इसकी कोई जरूरत नहीं है राज्यपाल को मनमानी करने का अधिकार नहीं है बने रहिए वो नियमों का पालन करें इसी के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उन्होंने राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद पत्रकारों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उनकी प्रतिक्रिया के लिए राजभवन से संपर्क किया लेकिन राज्यपाल ने यह कहते हुए कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि वो अपने को पत्रकार बताने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब नहीं देंगे खान साहब की बातों पर जरा गौर फरमाइएगा पत्रकार बताने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं से समझ गए होंगे कि उन्हें गोदी मीडिया की गोदी पसंद है और केरल में जरा गोदी की कमी है तो वो भन्नाए है रहते हैं खान साहब गोदी मीडिया से अच्छी तरह से वाकिफ हैं वो क्या करते हैं जानते हैं इसीलिए दूसरों पर भी वैसी ही तोहमतें लगाते हैं आगे सुनिए दरअसल खान साहब तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम का मजा ले रहे थे वहीं पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि जो भी उनसे बात करना चाहते हैं वो राजभवन को एक अनुरोध भेजते मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपसे बात करूं लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन वास्तविक पत्रकार है और कौन मीडिया कर्मी के वेश में पार्टी कैडर है मैं कैडर से बात नहीं करना चाहता इसके बाद राज्यपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन कैराली टीवी रिपोर्टर मीडिया वन और जय हिंद चैनल को इसे कवर करने की अनुमति नहीं दी गई आपको याद हो तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब खान साहब अपने इशारे पर न ना नाचने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करने की धमकी दे रहे थे इस पर बवाल मच गया था केरल की सत्तारूढ़ माकपा ने इसे तानाशाही बताया था आरोप लगा था कि राज्यपाल भाजपा और आरएसएस के इशारे पर राज्य में संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं हैं और वो एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में भी यही आरोप लगे थे दरअसल खान साहब जब से केरल के राज्यपाल बने हैं वो भारी कंफ्यूजन में वो भूल जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है राज्यपाल हैं और वो मुख्यमंत्री या चुनी हुई सरकार को नचा नहीं सकते हैं तो वो कभी विधानसभा में बिना भाषण पढ़े चले आते हैं तो कभी मंत्रियों को बर्खास्त करने की बात करते हैं कभी कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए आदेश जारी कर देते हैं पहले तो सरकार बर्दाश्त करती रही लेकिन जब उन्होंने बिना सरकार को बताए नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 24 घंटे के भीतर इस्तीफा देने का फरमान जारी कर दिया तब सरकार की भिड़कुटी चढ़ गई सरकार ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित करके राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटा दिया है इस पर खान साहब ने फाइल ही रोक ली कि विधेयक को कानूनी नहीं बनने देंगे साइन ही नहीं करेंगे यही लोकायुक्त के मामले में सरकार ने किया और राज्यपाल ने फिर साइन नहीं किया लोकायुक्त संशोधन विधेयक के अनुसार भ्रष्टाचार के के मामले में मुख्यमंत्री खिलाफ लोकायुक्त के निष्कर्षों पर फैसला लेने के लिए अब विधानसभा होगी मंत्रियों के खिलाफ निष्कर्ष होने पर मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं जबकि विधानसभा के सदस्यों के लिए अध्यक्ष के पास फैसला लेने का अधिकार होगा इस विधेयक में लोकायुक्त द्वारा रिपोर्ट पर कार्यपालिका को अपीलीय प्राधिकारी बनाने की बात भी की गई है यह तो बढ़िया बात है इसके बाद एलडीएफ सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलते हुए केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्य के मंत्रियों को हटाने की चेतावनी दे डाली कमाल है उन्होंने कहा कि यदि मंत्री राज्यपाल के पद की गरिमा को कम करना जारी रखते हैं तो वो उन्हें अपने पदों से हटाने में संकोच नहीं करेंगे इससे पहले 15 अक्टूबर को बीजेपी के प्यारे खान साहब ने विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में केरल विश्वविद्यालय सीनेट के पंद्रह सदस्यों को हटा दिया क्यों भाई क्योंकि सर्च कमेटी के लिए एक प्रतिनिधि को नामित करने के लिए हुई बैठक में हुजूर खुद गैर हाजिर थे सॉरी अनुपस्थित थे इसी कमेटी को यूनिवर्सिटी के कुलपति का चयन करना था इसके बाद राज्यपाल ने नौ कुलपतियों को हटा दिया हमने आपको बताया हाईकोर्ट ने इनमें से आठ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि खान साहब सरासर गलत हैं। कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश देने का कोई महत्व नहीं है बकवास है कुलपतियों के खिलाफ केवल तय प्रक्रिया का पालन करके ही कार्रवाई की जा सकती है इसी के बाद से खान साहब तम तमाए हुए हैं वैसे हकीकत तो यही है कि चाहे आरिफ मोहम्मद खान जितना भी इस बात से इनकार कर लें कि वो भाजपा का एजेंडा नहीं चलाते वो भाजपा के एजेंट नहीं है लेकिन हकीकत यही है कि उनका पूरा व्यवहार भाजपा के एक प्यादे की तरह है जिसके अंदर पद को लेकर कोई गरिमा नहीं है आपको याद होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरिफ मोहम्मद खान खुलकर बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की बड़ी तादाद उन देशों में रह रही है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है ऐसे में अगर भारत में यह लागू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह कोई पहली बार नहीं है जब खान साहब ने ऐसी बात की यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा था कि मतदाताओं को अपने मतदान का अधिकार सावधानी से करना चाहिए अगर मतदाताओं ने गलती की तो यूपी को कश्मीर केरल या बंगाल बनते देर नहीं लगेगी इस पर केरल के राज्यपाल होने के नाते आरिफ मोहम्मद खान ने पलटवार करने की जगह यह बयान दिया कि इलेक्शन के बीच बहुत सारी चीजें कही जाती हैं ये सब बातें बड़ी नहीं है बहुत सी चीजों को नजरअंदाज भी करना होता है अब उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है इस सारे हंगामे के बाद सीपीआई के केंद्रीय नेतृत्व तो ने कहा है कि राज्यपाल के बयान ने एल सरकार के प्रति खान के राजनीतिक पूर्वाग्रह और दुश्मनी को उजागर कर दिया है ये बात बहुत गंभीर है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल नाइनटीन इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरन कर लीजिए बेल आइकॉन दबाइए घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल नाइनटीन अंडर स्कोर इंडिया आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं नवीन जर्नलिस्ट ट्विटर हैंडल है मेरा नमस्कार